नमस्ते की डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे लौकी और चने दाल की सब्जी, जो खाने में टेस्टी भी लगती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। प्रभास्वी की डिलीशियस रेसिपी को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे ये होगा जो भी रेसिपी बनाऊंगी आप तक तुरंत पहुँच जाएंगी। तो आइए बनाते हैं चने दाल और लौकी की सब्जी। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम लौकी। मैंने लौकी को छील कर और धो करके इसे छोटे टुकड़े में काट लिया है। 2 टमाटर को मैंने छोटे पीसेस में काट लिए हैं। 1 कटोरी चने की दाल है, मैंने इसे 6 से 7 घंटे पहले भिगा दिया था और दाल हमारी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। 2 बड़ा चम्मच हमने सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप सब्जी बनाते हैं। नमक हमें स्वाद अनुसार लेना है। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमने लिया है, आप तीखी मिर्च भी ले सकते हैं। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच हरी धनिया कटी हुई, 1 छोटा चम्मच खड़ा जीरा, 1 टुकड़ा अदरक का मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है, 6 से 7 कलियां लहसुन का मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं, 3 से 4 पिंच हींग लिया हमने, 1 प्याज को मैंने बारीक काट कर रख लिया है, 2 लाल मिर्च और 1 डंडी हमने करी पत्ते के लिए हैं। अब सब्जी बनाना शुरू करेंगे और इस सब्जी को हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। और मैंने कुकर को गैस पर रख दिया है, इसके अंदर हम तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हम जीरा डालेंगे, इसे हल्का सा ब्राउन होने देंगे। इसके अंदर हम हींग डाल देंगे और इसके अंदर अदरक लहसुन और कटी हुई प्याज भी डाल देंगे। और इसके साथ ही लाल मिर्च और करी पत्ता भी डाल देंगे और इसमें डाल देंगे और हल्का गुलाबी होने पर इसे भून लेंगे। और प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, इसके अंदर हम मसाले डालेंगे, लाल मिर्च धनिया पाउडर हल्दी पाउडर और गरम मसाला और मीडियम आंच पर इसे भी 1 मिनट तक भून लेंगे। मसाले हमारे भून चुके हैं, अब इसके अंदर हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे और इसे भी गला लेंगे। टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है और मसाले भी भून चुके हैं, अब इसके अंदर हम चने की दाल डाल देंगे और इसे 2 मिनट तक हम भून लेंगे। 2 मिनट चने की दाल को भूनने के बाद इसके अंदर हम कटी हुई लौकी डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक इसे भी हम भून लेंगे। लौकी और चने की दाल हमारी अच्छी तरीके से भून चुकी है, अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। 1 कप पानी इसके अंदर हम डालेंगे। हमें लौकी और चने दाल की सब्जी बनानी है, अगर हमें इसकी दाल बनानी होती तो इसके अंदर हम 2 कप पानी और डाल देते, लेकिन हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे, नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है, 1 छोटा चम्मच नमक इसके अंदर हम डाल देंगे, इसे मिला देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया, इसकी खुशबू इसके अंदर बहुत अच्छी आ जाती है, इसे मिला देंगे। अब इसके अंदर ढक्कन लगाएंगे कुकर का और इसे बंद कर देंगे और मीडियम आंच पर हम इसमें 3 सीटी आने देंगे। इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे, फिर कुकर हमारा ठंडा हो जाएगा, फिर हम सब्जी को निकाल कर चेक करेंगे। 3 सीटी आने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था और कुकर हमारा ठंडा हो चुका है। इसे हम खोलेंगे और सब्जी को चेक करेंगे, इसे मिलाकर देखेंगे और इसे चेक करेंगे, इसे हल्का सा दबाएंगे। दाल हमारी पक चुकी है और लौकी तो गल ही गई है, अब इसके अंदर थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया डालेंगे इसे मिक्स करेंगे और इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे और इसे हरे धनिया से गार्निश कर देंगे और हमारी टेस्टी और हेल्दी लौकी और चने दाल की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे रोटी पराठे चावल या फिर पुलाव के साथ खाइए, ये सभी के साथ खाने बहुत टेस्टी लगती है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए।
जो लोग लौकी की सब्जी नहीं खाते हैं या फिर बच्चों को भी खिलाइए, वो लोग इसे जरूर पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने कमेंट हमें जरूर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।